तो दोस्तों जो हमें मिलेगी वो है फोन। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे Redmi Note 7 Pro के इश्यूज या प्रॉब्लम्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि Redmi Note 7 Pro हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसके ऊपर कई स्टैंड लोन और कंपैरिजन बेस्ड वीडियोस भी आ चुकी है, लेकिन हैरत ये होती है कि हमारे सीनियर्स, या मैं जिन्हें कहूं कि हम एक एज भाई देखते हैं, ब्रदर देखते हैं, उन लोगों ने ये चीजें इग्नोर करी, जबकि खासकर उनकी वीडियो में ये चीजें दिख रही थी। मैं सीधा सीधा किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप कंपैरिजन बेस्ड वीडियो देखिएगा मेरी वीडियो देखने के बाद, और आप अग्री करेंगे कि हाँ, ये चीजें उन्होंने हाईलाइट नहीं की। तो अफसोस होता है कि जिसको आप इतना मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं, वो लोग ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? जनता का, कस्टमर्स का, आप लोग का, जो हम लोगों को बनाते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से कॉमेंट बताता हूँ। इस वीडियो में हम कैप्चर करेंगे नॉर्मल वीडियोज, स्लोमो वीडियोज, आपको दिखाऊंगा फ्रेम ड्रॉप, फोकस हंडिंग, कैसे वीडियो जर्की बन रही है, और तो और दोस्तों, क्या ये इश्यू फिक्स किया जा सकता है? हम अगर रिपोर्ट करेंगे तो आई एम श्योर Xiaomi विल सेंड एन अपडेट एंड फिक्स दिस। तो दोस्तों बताइएगा कि आपके फोन में इश्यू आ रहा है, नहीं आ रहा, और तो और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछेगा, और तो और आपका फीडबैक हमें हमेशा हेल्प करता है चैनल को बढ़िया बनाने में, वीडियोस को बढ़िया बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर यूजर इंटरफेस की बात की जाए तो स्नैपी है, लेकिन समटाइम्स ऑप्शन चेंज करते थोड़ी सी लैग आती है। जैसे मैं आप फोटो से पोर्ट्रेट मोड में जाऊंगा, आप देख सकते हैं। और शुरू में आपने नोट किया होगा, जब हम डिफरेंट ऑप्शंस में जा रहे थे, खासकर सेटअप में बहुत टाइम लिया, खासकर फिंगरप्रिंट के बाद। तो आई होप Xiaomi डेफिनेटली अपडेट्स देगा, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये इम्प्रूव होगी। वीडियो बनाते हुए फोन में जर्क आता है, दिखाता हूँ आपको। अब मैं वीडियो बनानी स्टार्ट करता हूँ, और मैं फिर दिखा दूँ कि ये Redmi Note 7 Pro है। अब मैं हमारे लाफिंग बुद्धा पे टैप करता हूँ, और हम आगे चलेंगे। ये देखिए, ये मैंने टैप किया, ये जर्क, और ये आपको फाइनल वीडियो में भी दिखेगा। प्ले करके दिखाता हूँ। अब मैं फिर दिखा दूं कि ये Redmi Note 7 Pro है। अब मैं हमारे लाफिंग बुद्धा पे टैप करता हूं, और हम आगे चलेंगे। ये देखिए, ये मैंने टैप किया, ये जर्क, और ये आपको फाइनल वीडियो में भी दिखेगा। प्ले करके दिखा।
आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। इसका डिटेल रिव्यू विद रिस्पेक्ट टू फोटोग्राफ्स मैं जल्दी लेके आऊंगा ताकि हम आपको बता सकें कि क्या यूजफुल है 48 मेगापिक्सल कैमरा या फिर ऊंची दुकान फीका पकवान। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।